अरे तेरे से पूछते जाओ, छोड़ दे यार। दिया ही नहीं तो क्या ले रहा? क्या मैंने दिया? देख ले गलत कर रहा है। झगड़ा मत करो, क्या ऑफिस में झगड़ा कर रहे हो? एक नंबर का बेईमान आदमी है मैडम ये। अरे मैडम मेरी जाल में चले हो, इसका सर फोड़ दूंगा मैं। अरे मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे नौकरी छोड़ देना, पर जाने से पहले 100 का नोट तो देगा। अबे जब देगा तब लेगा कि बगैर दिए ही लेगा? अरे पहले खोला तो मम्मी। अरे छोड़ा तो सही, अब बोलो क्या है? क्या मैडम, बस में चला था मैं, 100 का नोट दिया मैंने इसको, 3 रुपए का टिकट था। कहने लगा छुट्टा नहीं है, अगले स्टॉप पे ले लेना। जब मैं उतरने लगा तो कहने लगा तूने तो 100 का नोट दिया ही नहीं है। मैं कसम झूठ बोल रहा सर आम। अबे दिया है, नया नोट है, अंदर देख मेरी जान। अरे इसमें जितने भी नए नोट है सब आप ही का क्या? पैसे लौटा। कानून हाथ में मत लेना, पहले कंप्लेन करो। तो कंप्लेन कर तो रहा हूँ। लिखित कंप्लेन करो। और किसके पास करूँ? उषा जी के पास। कौन है उषा जी? मैं हूँ। मैंने कंप्लेन है। मेरे टेबल पे आओ। तो जाना नहीं आज। क्या हुआ पांडे जी? क्या बात है शुक्ला जी, क्या बोलते हो? मुसद्दीलाल खड़ा है जी मेरा नाम। पता 51 तुलसीदास रोड, राम मंदिर, हनुमानगढ़। कहाँ से चढ़े थे? सीतापुर से। कहाँ का टिकट लिया था? जनकनगर का। टाइम? यही को 11:30 बजे का टाइम था। कोई गवाह? गवाह वैसे तो बहुत से लोगों ने मुझे पैसे देते हुए देखा, लेकिन उसको लेते हुए नहीं देखा। बस नंबर? बस नंबर तो याद नहीं है। शुक्ला जी आपकी बस का नंबर क्या है? वो क्या था रामचरण जो ले गया था? अरे उन्हीं तो पूछ लीजिए ना, वो तो छुट्टी पर गया 3 दिन की। अरे तो 3 दिन बाद आएगा तो पूछ लीजिएगा उससे। अरे किस तरह का कंडक्टर है, बस का नंबर नहीं मालूम है? अरे तू किस तरह का पैसेंजर है, बस का नहीं मालूम है? अरे बस तू चलाता है कि मैं चलाता हूँ? बस में तू चढ़ता है कि हम चढ़ते हैं? अरे बस का नंबर बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। इस बार ऐसा मारूंगा कि खानदान में बच्चा नहीं पड़ा। झगड़ा मत करो। मेरे खानदान पे जा रहा है मैडम। झगड़ा मत करो, कंप्लेन लिखवानी है कि नहीं? हाँ लिखवानी है। हाँ तो भी झगड़ा मत करो, बस नंबर याद करो। बस नंबर याद करो, बस नंबर। हाँ हाँ, घर से मैं झगड़ा करके निकला था बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे गया तो वहाँ पे 211 नंबर तो रुकी नहीं थी, और 102 नंबर में मुझे चढ़ना नहीं था, और 311 वाले ने तो साले ने रोकी नहीं थी स्टॉप के ऊपर। उसके बाद 12 नंबर आई थी तो उसमें मुझे नहीं चढ़ना। उसके बाद 11 नंबर बस थी मैडम। 11 नंबर में आप चढ़े? जी। पर पैसे किसमें दिए? अरे मैडम जब चढ़ा 11 नंबर में था तो पैसे भी तो उसी में दिए होंगे ना। नाम क्या था कंडक्टर का? कंडक्टर का नाम क्या था? क्या नाम था तेरा? हाँ क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? शुक्ला। शुक्ला नाम है जी इसका। अच्छा ठीक है। नोट 100 का था? 100 का था। नया था कि पुराना था? एकदम नया। तो पीछे लिखा क्यों नहीं? मैंने कहा था तो कहने लगा भीड़ बहुत ज्यादा है, लिख नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ साइन कर दो। जी ये लो, ये कंप्लेंट खुद अपने हाथों से कंप्लेंट बॉक्स में डाल दो। अरे पैसे कब मिलेंगे? अरे मिलेंगे, पहले कंप्लेंट देखेंगे बाद में डिसाइड करेंगे ना। तो देख तो लिया आपने? अरे अभी भी लिखी ना। तो लिखते लिखते देख तो रही थी ना? देखते देखते लिखिए, जाओ। ऐसे नहीं चला जाऊंगा यहाँ से, पैसे तो लेके जाऊंगा अपने में। ए, ये काम पांडे का है, मेरा काम लिखना था, मैंने कर दिया है। अब पांडे कौन है? यहाँ कोई पांडे नहीं है। उषा जी तो कह रही थी आप ही पांडे हैं। ना मैं पांडे नहीं हूँ, मैं पांडे जी हूँ। तो एक ही बात हुई ना? ना एक बात नहीं हुई, अब तो पांडे जी कहने से भी काम नहीं होगा। अरे देखो पांडे जी जरा देख लो इसको, 97 रुपए खा गया है वो शुक्ला। शुक्ला जी इधर आइए। क्या है पांडे? क्या है पांडे? ये आदमी कह रहा है कि 97 रुपए में खा गए आप। पांडे जी आपने शुक्ला जी को कभी पान के अलावा कुछ खाते देखा है? ना। तो फिर मैं इसके पैसे कैसे खा सकता हूँ? शकल नहीं झूठ बोल रहा है। अरे ये आदमी झूठ बोल रहा है। फिर मुंह खोला। अरे मैं तेरे को मार दूंगा, फोड़ दूंगा। मैं कुत्ते छोड़ दूंगा इसके पीछे। छोड़ दे, हिम्मत है तो। अरे मेरे पैसे दे दे। इसे कैसे पैसे? अरे पैसे तो तेरे बाप भी देगा। बाप का नाम मेरा, नाप दूंगा इसको। छोड़ो शुक्ला, छोड़ो। एक मिनट, क्या रहता फैला रहे आप लोग? अरे क्यों नहीं फोड़ रहे तुम इसको? मैं तो फोड़ दूंगा, ये फोड़ नहीं दे रहा। अगर छोड़वाइए नहीं छोड़वाइए सर। अरे छोड़ दो भाई। मैं अरे यार ऐसी क्या बात हो गई? कैसे आ गई मेरे? हे शुक्ले अकेले अकेले? अरे अकेला अकेला क्या, ये शक्ल से झूठ बोल रहा है। लूट लिया कंडक्टर ने मुझे। एक मिनट, आप दोनों मेरे केबिन में आइए, और आप आते हो कैंटीन से 2 प्लेट समोसे लेके आइए। किसके लिए? किसके लिए? हम खाएंगे और किसके लिए? हम, मैं नहीं खाता समोसे। अरे हम है, तुम नहीं हो। तो कौन कौन है? हम है, कम है क्या हम किसी से? आइए। तो ये बात है, ये आदमी मेरे पैसे नहीं देगा। अरे जब लिया ही नहीं तो कहाँ से देगा? ये खा गया मेरे पैसे सर। अरे जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोल। तेरी हिम्मत है तो अब बोल। एक मिनट भाई साहब, लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इसको 100 का नोट दिया। कैसे भाई? किसी ने आपको देते हुए देखा? मुझे देते हुए तो देखा, इसे लेते हुए नहीं देखा। तो कैसे होगा फिर? कैसे? एक मिनट, वो जो ड्राइवर है पटेल, उसके सामने इसने कबूला है कि मैंने 100 का नोटिस को दिया था। अच्छा? हाँ, और उसके बाद कहने लगा कि इसने छुट्टा पैसा मुझे वापस कर दिया है, और अभी आपके सामने कह रहा है कि 100 का नोट तो इसने मुझे लिया ही नहीं है।
वो पटेल को बुलाइए, वो ईमानदार आदमी है। कहाँ है पटेल? वो पेशाब करने गया थोड़ा। बुलाओ उसको। मैं जाता हूँ। नहीं मैं जाता हूँ। नहीं नहीं ये उसे रास्ते में फुसलाएगा। अरे ये जाएगा तो नहीं आएगा। नहीं मैं जाऊंगा। मैं लाऊंगा। एक मिनट, दोनों जाओ उसे पकड़ के लाओ। हाँ ये ठीक रहेगा। देखता हूँ तू क्या कहेगा। छोड़ो यार, पहले ये बताओ किसने लिए। अरे मुझे लगता है आप अर्ली मॉर्निंग दूध पिए। दूध का है? दूध नहीं है सर, दूध नहीं है, ये पटेल है सर। नमस्ते सर, मेरे को क्यों उठवाया सर? उठवाया नहीं बेटा, बुलवाया है। ये लोग मेरे को उठा के लेके आए सर। अरे ये देखो पटेल, ये है ना, क्या नाम क्या भाई साहब? मुसद्दीलाल गढ़। हाँ ये गढ़ कहता है कि इसने 3 रुपए का टिकट लेने के लिए 100 का नोट शुक्ला को दिया। हाँ तो दिया होगा सर। देखा सर? नहीं नहीं, लेकिन शुक्ला बोलता है कि उसने नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया होगा सर। देखा सर? नहीं सर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसने 100 रुपए लिए और ये कहता है कि इसने मुझे 97 रुपए वापस कर दिए। तो वापस कर दिए तो प्रॉब्लम क्या है भाई सर? नहीं किए नहीं ना। और अभी तो बोला कि कर दिए। वो तो ये कह रहा है ना। कब? कब? वहाँ जब बस में मैंने इससे मांगे थे तो। हो, हमने कहा ही नहीं। क्या? कि हमने पैसे वापस किए। देखा सर, कह रहा है कि इसने पैसे वापस नहीं किए। लाओ पैसे दो। अरे कौन से पैसे दे दूं? अरे भाई 97 रुपए और क्या कद्दू। अरे कौन से रुपए भैया? वही तो तुमने वापस नहीं किए हैं। अरे जब लिए ही नहीं तो वापस क्या करें? अरे अभी अभी तो कह रहा है कि इसने लिए। सर मुझे लगता है ये दिन में पिए। देखिए सर, ये आदमी बात पलटने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कह रहा है कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं तो इसका मतलब है इसने पैसे मुझसे लिए हैं, तभी तो नहीं दिए हैं ना। अब बोलिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट यार, मुझे टेंशन मत दो प्लीज, मुझे टेंशन मत दो फॉर गॉड सेक। टेंशन में मुझे भूख लगने लगती है। जाओ 2 प्लेट समोसे लाओ। मैं? आपकी वजह से टेंशन हो गई है ना, आपको समोसे मंगाओ ना। मैं जाऊँ? नहीं नहीं तुम मत जाओ, शुक्ला तुम जाओ। अरे मैं तो तभी लाऊंगा जब ये पैसे देंगे। पैसे बाद में लूंगा, पहले ऑर्डर दे गया। कैसे डांटता है सर, 100 रुपए का एकदम कड़क नोट था। क्यों ड्राइवर साहब? अरे क्या बोलूं मुसद्दीलाल जी, आपको भाई बस में चढ़ते हो तो पैसे छुट्टे लेकर चढ़ना चाहिए ना। ओ जल्दी में थोड़ी भूल हो गई। अरे तो ये 100 करोड़ भी भूल जाओ जल्दी में। इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे। अरे भाई 100 रुपए की बात है, भूल जाओ, क्यों खाओ का टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। पटेल साहब बात 100 रुपए की नहीं है, बात है गलत और सही की। हाँ ये सही है, है ना। हाँ लेकिन वो गलत है। क्या? वो पैसे के लिए टाइम वेस्ट करना। लेकिन पूरा 100 का नोट है भाई। अरे भाई देखो, ये भूल जाओ 100 रुपए, मान जाओ मेरी बात, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो आपको छुट्टे पैसे वापस मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो 2 बातें होंगी। या तो दोबारा बस में चढ़ोगे या तो नहीं चढ़ोगे। नहीं चढ़े तो बच गए, मगर चढ़े तो 2 बातें होंगी। या तो छुट्टे पैसे होंगे या तो नहीं होंगे। हुए तो ठीक, मगर नहीं हुए तो 2 बातें होंगी। या तो शुक्ला आपको पैसा वापस करेगा या तो भूल जाएगा। वापस किया तो ठीक, भूल गया तो। अरे यार भूल जाओ ना, शुक्ला बार बार भूल सकता है, आप एक बार नहीं भूल सकते। नहीं मैं नहीं भूलूंगा, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ये लीजिए सर समोसे, इन्हीं के खाते पे ले आया हूँ। अरे किसी के खाते में भी लाए हो? देखा समोसा खाते ही एक आइडिया दिमाग में आया। क्या, क्या, क्या सर बोलिए तो। शुक्ला क्यों ना हम तुम्हारा बैग चेक करें, उसमें देखें कि कितनी टिकटें बिकी हैं और कितने पैसे हैं। अगर पैसे ज्यादा हुए तो मुसद्दी के, और अगर बराबर हुए तो सरकार के। बहुत अच्छा आइडिया सर, अभी बैग रखवाइए सर। सर बैग तो। अरे आप लोग सड़क पे बस खड़ी करके यहाँ आ गए क्या? पब्लिक चिल्ला रही है वहाँ। क्या बे शुक्ला, पब्लिक को बस में छोड़ के इधर आ गया? हाँ सर, मैं कहाँ छोड़ गया, ये खींच के लाया मेरे को। चलो पटेल पब्लिक में आएगी। अरे नहीं नहीं, लेकिन मेरे पैसे भाई। वो शाम को वापस आएंगे ना, तभी हिसाब कर लेंगे। ओके भाई। नहीं मैं भी बस में साथ जाऊंगा इनके। अरे घन चक्कर, हम पूरे शहर का 4 चक्कर लगाएंगे, आपके 100 रुपए तो किराए में ही चल जाएंगे, हमारा क्या। चलो नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैं यहीं पे वेट करूंगा। पर सर मुझे ऐसा लगता है सर कि ये आदमी 97 रुपए बैग में से खा जाएगा सर। नहीं नहीं शुक्ला ऐसा नहीं करेगा। सर ऐसा करेगा, आपको पता नहीं है 15-15 मिनट तक बस रुकी रहती है, पूछो तो पता चलता है कि कंडक्टर साहब पान खाने के लिए उतरे हुए हैं। शुक्ला तू एक काम करिए, बैग यहीं छोड़ के जा। क्या सर? हाँ हाँ दूसरा बैग ले जा, शाम को हिसाब कर लेंगे। क्या सर आपको भी शक है कि मैंने पैसे खाए हुए? मुझे तो पूरा यकीन है शुक्ला। क्या कि, मतलब कि मुझे तुझ पर यकीन है। बस मुझे लग नहीं रहा सर वैसे। देखो अगर पैसे नहीं खाए तो डर क्यों लग रहा तुम्हें? कभी गलती से। शुक्ला ईमानदार लोग डरते नहीं है। तभी तो मैं डर रहा हूँ सर। क्या मतलब? क्या सर बैग रखे बगैर नहीं मानेंगे क्या? हाँ जल्दी करो, बाहर पब्लिक बस तोड़ रही है। ठीक है रख लीजिए, आपको तो मैं 5 बजे देख लूंगा। अरे तेरी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। अरे चलो यार। बात कर रहा है सर, थैंक यू बढ़िया जी। हाँ ठीक है यार, बाहर जाके बैठो, 5 बजे मिलना जी। देखिए वो शुक्ला जी अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएंगे भाई, बस लेट हो गई होगी। अरे मैं तो सुबह से भूखा पैसा बैठा हूँ। ओफो तो पहले बताना चाहिए ना आपको, दरवाजे के पास इतनी अच्छी कैंटीन है, वहां जाके कुछ खा लो जी। और सुनो आते वक्त 3 प्लेट समोसे लेके आना। पांडे जी आप क्या खाओगे? सैंडविच। पांडे जी के लिए सैंडविच और मेरे लिए भी सैंडविच जी। और सुनो 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आना जी। मजा आ गया भाई। आ गया ना? आ गया। तो वो कब आएगा? कौन? शुक्ला।
अरे आ जाएगा, बस लेट हो गई होगी ना, वैसे भी 7 बजने वाले हैं। पंडित जी 7 बज गए, घर नहीं जाना क्या? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग, मेरा हिसाब तो कर दो। अरे वो तो शुक्ला करेगा। अरे कमाल है भाई, सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, 100 रुपए के लिए परेशान हो गया हूँ मैं। तो हमने कहा था बस में चढ़ो। गलती हो गई, आज के बाद नहीं बैठूंगा। गलती हुई है तो उसको भुगतो यार। तो भुगत तो रहा हूँ भाई, बता दो कब आएगा शुक्ला। हमें क्या पता, तो किसको पता है? शुक्ला को ही पता होगा। अरे मैडम आपको पता है कि शुक्ला कब आएगा? मुझे कैसे पता होगा, मैं खुद उसे हिसाब लेने के लिए यहाँ बैठी हूँ। कमाल है भाई, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि शुक्ला कब आएगा। आओ आओ पटेल आओ। आ गया। अरे शुक्ला क्या हुआ पटेल को? अरे कुछ नहीं, टैक्सी वाले को ठोक दिया। तो टैक्सी वाले मिलके भाई को ठोक दिया और ये शुक्ला खड़ा खड़ा देखता रहा। तो क्या हम भी ठोक देते आपको? पब्लिक के पैसे खाता है, पब्लिक इसे मारती है, तो मैं इसको बचाता हूँ कि नहीं बचाता हूँ? वो ठीक है, लेकिन ठीक है बोल रहा है। और बीच रास्ते में पान खाने के लिए बस रुकवाता है मुझसे। मैंने बताया किसी को? बताया नहीं, तू भला आदमी है। मुसरती लाल के पैसे खा गए, मैंने बताया है किसी को? देखा देखा पटेल बोला, अब बोल। हाँ तू मत खोल मुँह, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। है तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। अरे मुझे दे रहा है हुल। हाँ हिला दूंगा तेरी चूल। झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? है 100 रुपए खाए इसने मेरे। सर इसका दिमाग बोर आ गया है। एक मिनट, आप लोग हिसाब क्यों नहीं कर लेते? हिसाब खाएगा पांडे जी, अब तो बोल दिया ना पटेल ने कि शुक्ला ने मेरे पैसे खाए हैं। हाँ खाए हैं, कईयों के खाए हैं। पटेल ये ठीक बात नहीं है। अरे पब्लिक मेरे को मार रही थी और ये बेटा पान खा रहा था। अरे यार वो ठीक है लेकिन। अरे आपने इनके पैसे दिए क्यों नहीं पांडे जी? बाई मिस्टेक। अच्छा आप मिस्टेक याद आ गई ना। शुक्ला जी बैड मैनर्स, उनके पैसे वापस कीजिए। लाला निकालो, निकालो जल्दी करो। ये पूरे हैं कि कम हैं? गिन ले अगर कोई जिंदगी में कम है। भाटिया जी थैंक यू, माने जी थैंक यू, उषा जी थैंक यू, थैंक यू पटेल। क्या मुसद्दी लाल जी इतने पैसे वापस कराए, सिर्फ थैंक यू सर? अरे कुछ चाय पानी कुछ? नहीं ऐसी क्या बात है, ये लो 10 रुपए। 10 रुपए वो मिनरल वाटर की बोतल भी नहीं आती, कुछ चाय वाई कुछ? अरे ये लो 10 रुपए और लो भाई। और भी कोई चाय पानी करेगा? नहीं नहीं भाई, हमने तो अभी किया है। कब? अभी जब खा रहे थे। अरे तो वो मैंने थोड़े कराया। तो किसने करवाया? मैंने पैसे थोड़े दिए हैं। तो अब दोगे क्या? ये आपका बिल 130 रुपए का। मेरा? हाँ 11 प्लेट समोसे, 3 सैंडविच, 4 कोल्ड ड्रिंक और 4 चाय। 97 रुपए हासिल करने के चक्कर में 130 रुपए का खर्चा। इसे कहते हैं चवन्नी की मुर्गी और अठन्नी का मसाला।